नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरा के बारे में। यहाँ पर जो हमने एनजीकैम 7.4 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है, एंड यहाँ पर एनजीकैम के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है एनजीकैम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले है। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनजीकैम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस गूगल कैमरे को डाउनलोड कर सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेटिंग्स के बारे में। पर जो बेस सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो ऑक्सिलरी कैमरा का ऑप्शन है, डिफॉल्ट सेटिंग्स का ऑप्शन है, एडवांस सेटिंग्स को ऐड किया गया है, वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन है, कलर सेटिंग्स का ऑप्शन है, लिप पैचर का ऑप्शन है, यहाँ पर जो एक्सएमएल फाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है एनजीकैम के साथ जो है बेस्ट सेटिंग्स को हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सिलरी कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है इस जीकैम के साथ मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो यहाँ से आप जो है यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन काम कर सके। सिंपली यहाँ पर जो ऑक्सिलरी कैमरा का जो ऑप्शन है इसे बंद करते हैं। इसे बंद करने के बाद आप देख सकते हो गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करने के बाद जो है यहाँ पर जो 1x 2x का जो ऑप्शन है देने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है, आपको अलग से सेटिंग्स में जाके यहाँ पर जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है उसे एनेबल करना होगा। सबसे पहले आपको सिंपली यहाँ पर जो सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी कैमरा में जाके यहाँ से आप जो है मल्टीपल लेंस को एनेबल कर सकते हो। तो अगर आपके डिवाइस के ऊपर मल्टीपल लेंस का सपोर्ट है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो Redmi Note 10 Pro डिवाइस है इसमें जो है अल्ट्रावाइड लेंस का सपोर्ट है, प्लस मैक्रो लेंस का सपोर्ट है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर जो टेलीफोन लेंस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से आप सिंपली यहाँ पर जो है मैक्रो लेंस प्लस यहाँ पर जो अल्ट्रावाइड लेंस है उसे एनेबल कर सकते हो। तो आपके डिवाइस के ऊपर जिस तरह से कैमरा लेंस देने को मिलेगा उस तरह से आप यहाँ से जो है मल्टीपल लेंस को एनेबल कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा, जीकैम को फिर से रीस्टार्ट करो, ओपन करो फिर से, उसके बाद आपके डिवाइस के ऊपर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा। देख सकते हो बच्चे गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करने के बाद मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल हो गया है। उसके बाद बच्चों डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर जो मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो पर व्यू फाइंडर के ऊपर मैक्सिमम स्क्रीन ब्राइटनेस देने को मिलेगा। प्लस जो सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड का यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, गूगल लेंस को शायशन करने का जो गूगल लेंस का जो शायशन है उसका जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर सेफ सेल्फी से प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सोशल शेयर का ऑप्शन है, गेस्ट्स का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन है। अगर बात करें सोशल शेयर के बारे में तो यहाँ पर आप जो है कोई भी फोटो क्लिक करने के बाद ये जो एरो है इस एरो में टैप करने के बाद आप डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा फोटो एंड वीडियो के साथ। प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर गेस्ट्स का ऑप्शन है, डबल टैप टू जूम का ऑप्शन है। सिंपली यहाँ पर जो है गेस्टर्स की यूज करने के लिए इस तरह से आप जो डबल टैप करके जूम कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन के साथ, यहाँ पर वॉल्यूम बटन के साथ फोटो को क्लिक कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन के साथ जहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम बटन को प्रेस करके आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो है वॉल्यूम बटन को आप जो है शटर बटन के तरह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है गेस्टर्स के ऊपर यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन का सपोर्ट है ऐड किया गया है। प्लस डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल करने के बाद गूगल कैमरा के साथ अगर कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो है डिवाइस मॉडल का ऑप्शन है, डिजिबल हेक्सागन डीएसपी का ऑप्शन है, एचडीआर कंट्रोल, एचडीआर एनहांस मोड के साथ फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, मैक्सिमम जूम का ऑप्शन है, इंस्टेंट एचडीआर एनहांस मोड का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का ऑप्शन है। सबसे पहले पर बात कर लेते हैं डिवाइस मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर डिवाइस मॉडल के ऊपर जो इंटरफेस स्टाइल का ऑप्शन है, या से आप जो है अलग अलग पिक्सल डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 3A, पिक्सल 4, पिक्सल 4A, पिक्सल 5 का ऑप्शन है। उस तरह से यहाँ पर जो है एचडीआर मोड का ऑप्शन है, पर बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा प्लस मल्टीपल लेंस के साथ भी आप जो है एचडीआर मॉडल को सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 3A, पिक्सल 4, पिक्सल 4A का जो एचडीआर मॉडल है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है डिसेबल हेक्सागन डीएसपी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है,
इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है एचडीआर प्रोसेसिंग के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो एचडीआर कंट्रोल का ऑप्शन है, एचडीआर कंट्रोल का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो है फोटो क्वालिटी के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर एचडीआर मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, अगर आप एचडीआर मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करेंगे तो पर फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलेगा। कुछ इस तरह से आप जो है एचडीआर मोड के ऊपर जो फ्रेम है उसे आप जो है यहाँ से इंक्रीज कर पाओगे, तो पर जो है एचडीआर मोड के साथ फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। प्लस पर जो है मैक्सिमम जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, मैक्सिमम जूम के साथ जो है बाय डिफॉल्ट जो जूम है उसे आप जो है इंक्रीज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस इंस्टेंट एचडीआर एनहांस मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस पर जो है रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर डिजिबल जूम इन पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, तो पर जो है पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम का ऑप्शन है उसे अगर आप चाहते हो यहाँ से डिजेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है बाय डिफॉल्ट लाइका लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल नहीं रहता है, आपको अलग से सेटिंग्स में जाके एडवांस सेटिंग्स में जाके यहाँ पर जो है लाइका लेंस का जो ऑप्शन है लाइका फोटो मोड का जो ऑप्शन है उसे एनेबल करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है जीपीजी क्वालिटी का ऑप्शन है, यहाँ पर से आप जो है जीपीजी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है फोकस सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है इस तरह से जो सुपर रेज जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। फोकस ऑप्शन के ऊपर जो फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, मैनुअल फोकस स्लाइडर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर एनेबल व्यू फाइंडर फोकस सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस तरह से जो है मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम करता है एनजी कैम के साथ, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो है एडवांस सेटिंग्स के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं वीडियो सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, पर ओआईएस ईआईएस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। वीडियो के ऊपर जो है बीट रेट को इंक्रीज करने का ऑप्शन, यहाँ पर जो है 100 Mbps तक जो वीडियो का जो बीट रेट उसे इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप वीडियो का जो बीट रेट उसे अगर आप इंक्रीज करोगे तो पड़े वीडियो सेव होने में, यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो कलर सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है कलर सेटिंग्स के साथ जो DCI-P3 कलर का ऑप्शन है, पिक्सल ऑटो एड बैलेंस इन HDR इनहांस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर जो सस्ता फैक्टर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है कलर सेटिंग्स के साथ। अगर बात करें पिक्सल ऑटो एड बैलेंस इन HDR एनहांस मोड के बारे में, तो यहाँ पर जो है ऑटो एड बैलेंस के साथ पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4 का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, उसके अलावा ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो ढेर सारे ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस के साथ जो है ऐसे भी ऑप्शन जो है काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एस्ट्रोमैक्स टाइम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ से आप जो है 60 सेकंड तक जो इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है लिप पैचर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, लिप पैचर के साथ जो इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर जो है नॉइस मॉडल का ऑप्शन है, बेसिकली यहाँ पर जो लिप पैचर के साथ जो फोटो का जो क्वालिटी आप इंक्रीज कर सकते हो, मैनुअल कंट्रोल देने को मिलेगा, लूमा क्रोमा सैचुरेशन ISO इस सब को जो आप जो है मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, फोटो का जो क्वालिटी है जो है इंक्रीज कर पाओगे लिप पैचर के साथ। देख सकते हो ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर जो है ISO सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर शेडो नॉइस ये सभी को आप जो है मैनुअली कंट्रोल कर पाओगे लिप पैचर के साथ, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है मोशन फोटोज का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है जीपीजी फॉर्मेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, रॉ सेंसर फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पर व्यू फाइंडर फॉर्मेट का ऑप्शन है, एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस स्लो मोशन बटन को हाइड कर सकते हो अगर आपके डिवाइस के ऊपर स्लो मोशन का जो ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है तो। प्लस यहाँ पर जो है इस ऑप्शन के साथ जो आप एक्सेल फाइल के ऊपर जो इम्पोर्ट कर पाओगे इस गूगल कैमरा के साथ, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो लाइका लेंस का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर एनेबल किया है, लाइका लेंस का जो ऑप्शन है उसे एनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है UI देने को मिलेगा। एनीवे पर ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर जो है यहाँ पर रॉ फोटोज का ऑप्शन है, हमने यहाँ पर जो है रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से एनेबल किया है, टाइमर का ऑप्शन इस पर ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है 4:3 का ऑप्शन है, 16:9 का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है टाइमर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, इस तरह से इस भी ऑप्शन अवेलेबल है। पर ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा नाइट सन मोड के साथ, प्लस यहाँ पर रॉ फोटोज का ऑप्शन है, फोकस के ऊपर ऑटो नियर
फार का जो ऑप्शन से काम कर चुके, इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। अब डिफरेंटली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वो आप जाके लेटेस्ट जीकेएम 8.7 का जो बिल्ड है उसका जो रिव्यू वीडियो है हमने ऑलरेडी अपलोड किया, आप सिंपली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। इस जीकेएम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस जीकेएम को डाउनलोड करके आपके डिवाइस को ट्राई करके देखो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।